एवरीवन, दिस इज अनुल हसन एंड यू आर वाचिंग क्विक टिप्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से स्प्रेडशीट कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एयर टेबल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। यहां पर आपको स्टोरेज सेक्शन में स्प्रेडशीट का कंपोनेंट, एयर टेबल का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो यहां पर प्रॉपर्टीज सेक्शन में आपके पास चीज़ें हैं एपीआई की, बेस आईडी, टेबल नेम एंड क्रिएट व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि नीचे दिए गए लिंक से आपने एयर टेबल की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे आपके पास इस तरह की माय फर्स्ट वेब वर्क स्पेस आ जाएगी। ये मैंने खुद क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्क स्पेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे नेमिंग कर सकते हैं। तो सिंपल मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं टेस्ट रख रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपने इसमें बेस ऐड करनी है। आप टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्रेडशीट अगर आपने एक्सेल पर बनाई है वो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है टेबल नेम, तो यहाँ पर आप टेबल नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप कुछ भी टेबल नेम रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेबल वन ही रहने देता हूँ। तो सिंपल आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पर टेबल नेम के सेक्शन में पेस्ट कर देना है। इसके बाद बैक हम यहाँ पर आ जाते हैं वेबसाइट में। अगर आपने एयर टेबल का अकाउंट नहीं बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लॉग इन कर लें। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई की फाइंड करने के लिए आपने जाना है हेल्प सेक्शन में, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, तो आप इसे ओपन कर लेंगे। तो जितने भी आप बेस बनाते हैं उन तमाम की एक आपके पास यूनिक आईडी होती है, तो आपने उस आईडी को इस्तेमाल करना होता है। और जैसा कि ये एक एपीआई है तो सिंपल आपने इसकी एपीआई की को भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ऑप्शन चेक कर देना है शो एपीआई की। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें इंट्रोडक्शन टैब में आपके पास एक ऑप्शन है द आई डी ऑफ दिस बेस इज, तो आपने इस आई डी को कॉपी कर लेना है। ये आपके बेस की एक स्पेसिफिक आई डी है। यहाँ पर कंट्रोल सी वी से आप सिंपल कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से आप सिंपल पेस्ट कर दें। ये हमारी बेस आई डी हो गई। इसके बाद हमने ए पी आई की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट सेक्शन में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए पी आई की देखने को मिल जाएगी, आपने इसे भी कॉपी कर लेना है। यहाँ पर एपीआई की के सेक्शन में इसे आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन एक्सपोर्ट एयर टेबल एपीआई की, आपने इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एयर टेबल का एक बेसिक सा ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये रिकॉर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉलम आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉलम भी आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्दर ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो ये आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप हाइट वगैरह भी कर सकते हैं और भी ऑप्शंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक आईडी है नेम, तो यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करें तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टाइटल। इसके बाद हमारे पास इसकी कैटेगरी है कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट है, डेट है, फ़ोन नंबर है, यूआरएल है। तो यहाँ पर जिस कैटेगरी में ये फिट आता है, कॉलम या रो, जो भी आप इसमें डाटा एंटर करना चाहते हैं वो जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, आप सिंपल यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं। तो चूँकि टाइटल सिंगल लाइन ही होता है तो हम यहाँ पर सिंगल लाइन चूज़ करेंगे। इसके बाद हम सिंपल और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी फर्दर नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटल के साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो करना चाहें तो
हम डिस्क्रिप्शन का एक क्रिएट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट होता है, तो सिंपल आपने कैटेगरी से लॉन्ग टेक्स्ट चूज कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और रो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट वगैरह करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बेसिक सा ओवरव्यू है। यहाँ पर आप फर्दर टेबल्स ऐड कर सकते हैं, क्रिएट एम्प्टी टेबल या इंपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। सो कमिंग टू द ब्लॉक सेक्शन, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इसे ओपन करेंगे तो चंद एक यहाँ पर ब्लॉक हैं ये आपके पास आ जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेट की हैं वो यहाँ पर आप ब्लॉक सेक्शन में भी सेट कर सकते हैं, एपीआई की, बेस आईडी, टेबल नेम एंड सो ऑन। सो यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, व्यू नेम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास फर्दर आगे व्यूज़ ऐड हो जाते हैं। तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम ग्रिड व्यू ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पर ग्रिड व्यू को भी चेंज करना है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट रो। सो इस तरह से हम रो क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें आपके पास पैरामीटर्स जो हैं वो लिस्ट की सूरत में आएंगे। तो जितने भी आपने कॉलम क्रिएट करने हैं वो सिंपल आपके पास होंगे, कॉलम नेम्स जो हैं वो लिस्ट की सूरत में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर तीन नए कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने तीन कॉलम्स की लिस्ट बना लेनी है। इसके बाद आपने इंडेक्स के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर तीन कॉलम्स ऐड करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ज्वाइन करूँगा इनके साथ, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चंद एक वैल्यूज़ इंटर कर लेता हूँ। टाइटल 1, टाइटल, नेम, नंबर। सो ये तीन मैंने कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने किस तरह से इंटर करनी है? सो वैल्यूज़, जो टाइटल की वैल्यू है वो यहाँ पर सेम इंडेक्स में 1 है तो 1 फर्स्ट वाले ब्लॉक में आएगी। तो टाइटल हम यहाँ पर कुछ भी इंटर कर सकते हैं, न्यू, फॉर एग्जांपल न्यू ऐप है यहाँ पर कह देता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये नोटिस करना है कि सिंपल टाइटल है तो यहाँ पर टाइटल फर्स्ट ब्लॉक में आएगा। इसके बाद नेम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नेम यहाँ पर आप सेकंड में ऐड करेंगे, और नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1। तो आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। सो इस तरह से आप रो क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिलीट रो। तो यहाँ पर आपके जो रो की नंबरिंग है या कॉलम की नंबरिंग है वो 1 से शुरू होगी। यहाँ पर 1, 2, 3 और सिंपल कॉलम में भी 1, 2, 3। सो इस तरह से आपके पास नंबरिंग है। याद रहे कि 0 से नहीं बल्कि 1 से आपकी नंबरिंग शुरू होगी। सो अगर आप फर्स्ट रो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रो नंबर 1 ऐड करेंगे, आपने मैथ ब्लॉक में जाना है और सिंपल यहाँ पर आप इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद आपके पास गेट ऑल रोज़ का फंक्शन है यहाँ पर। सो जितनी भी रोज़ हैं यहाँ पर आपके पास रोज़ आ जाएंगी। तो इसके साथ आपके पास कौन सा फंक्शन है जो गेट ऑल रोज़ है, इसके बाद आपके पास ये ब्लॉक रन होगा। जब आप तमाम रोज़ गेट कर लेते हैं तो आपके पास ये ब्लॉक है फर्दर फंक्शन रन करने के लिए। सो हम इसे भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो जब आप तमाम रोज़ गेट कर लेंगे तो आपके पास रिस्पांस कोड आ जाएगा। तो रिस्पांस कोड आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जो बेसिक होता है वो 200 होता है। 200 का मतलब है कि ऑल फाइन। तो यहाँ पर इनके एरर कोड्स भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास 200 आता है रिस्पांस कोड तो आपने सक्सेसफुली रिक्वेस्ट कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एरर कोड आ जाता है आपके ऐप रन करने के दौरान, तो सिंपल आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से डीबगिंग कर सकें। तो रिस्पांस कोड जो है वो आपके पास नंबर्स की सूरत में होगा। इसके बाद हमारे पास है रिस्पांस कंटेंट। तो जब आप तमाम रोज़ गेट करेंगे तो आपके पास रिस्पांस कंटेंट जो है ये एक टेक्स्ट फील्ड की सूरत में आएगा, एक स्ट्रिंग की सूरत में। इसके बाद यहाँ पर टोटल रोज़, तो ये भी आपके पास एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप लूप क्रिएट कर सकते हैं तमाम रोज़ के लिए।
सो ये गेट ऑल रोज का ब्लॉक इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपके पास है कि गेट सेल। अगर आप कोई स्पेसिफिक सेल यहाँ पर गेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेल गेट करना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू है नेम, तो टाइटल नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेम के सेल को गेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और रो नंबर हमारी यहाँ पर हम चेक करेंगे, रो नंबर होगी 1 और कॉलम नेम होगा टाइटल। तो यहाँ पर आपने दो टेक्स्ट ब्लॉक्स ज्वाइन करने हैं। तो रो नंबर में आपके पास नंबर आएगा, आपने मैथ में जाना है और सिंपल आप एक ब्लॉक जो यहाँ पर ड्रैग कर लें। तो रो हमारी फर्स्ट रो है और कॉलम नेम हमारे पास है टाइटल। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा, ये हमारे पास सेल आ जाएगा। अब ये ब्लॉक आपने इस्तेमाल किया है तो इसके साथ आपने कौन सा ब्लॉक इस्तेमाल करना है, इसके साथ आपने ये ब्लॉक इस्तेमाल करना है, गेट सेल। सो यहाँ पर जब सेल आपको मिल जाएगा तो आपने ये फंक्शन, आप इसके थ्रू फंक्शन रन कर सकते हैं गॉट सेल। तो रिस्पांस कोड आपके पास 200 ओके होगा और बाकी जो भी रिस्पांस कोड वहाँ पर एरर कोड्स यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई कोड होगा। तो इसके बाद वैल्यू वैल्यू होगी आपके पास सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में। इसके बाद आपके पास होगी रो आईडी, तो रो आईडी यहाँ पर होगी 1। क्रिएटेड टाइम, तो यहाँ पर आपके पास टाइम क्रिएटेड आ जाएगा जब ये सेल क्रिएट किया गया था। यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करें तो शायद आप देख सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो इस ब्लॉक के साथ आपने ये वाला ब्लॉक ज्वाइन करना है। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक है कि गेट कॉलम। तो ये दो ब्लॉक जो हैं ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं, गेट कॉलम और गेट ऑल रोज़ का ब्लॉक जो है। सो अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड किया है क्विक टिप्स, तो उसमें करीबन ये दो ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत रखते हैं। ये दो मैंने मैक्सिमम इस्तेमाल किए हैं। सो लेट मी जस्ट डिलीट द ब्लॉक। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गेट कॉलम। तो यहाँ पर आपने दो फील्ड्स अटैच करनी है इसके साथ, टेक्स्ट ब्लॉक और एक आपके पास नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम नेम, अगर आप फॉर एग्जांपल ये कॉलम गेट करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास एक लंबी लाइन है कॉलम्स की, आप कोई भी कॉलम नेम के थ्रिए आप गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्क्रिप्शन का कॉलम गेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डिस्क्रिप्शन, तो ये आपके पास एक लिस्ट की सूरत में जवाब आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मैक्स रिकॉर्ड्स का। तो मैक्स रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने आगे भी आपको बताया है कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। तो रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब ये है कि कितनी रोज़ आप चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो में चेक करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो का कॉलम गेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से शुरू करूँ और नंबर 1 तक मैं एंड करना चाहता हूँ, या अगर मेरे पास मज़ीद आगे रिकॉर्ड्स हैं तो कितने रिकॉर्ड्स मैं गेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टू रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएं, फर्स्ट टू रोज़ आ जाएं, तो मैक्स रिकॉर्ड मैं यहाँ पर एंटर करूँगा 2। सो अगर आप चाहते हैं कि जितना भी डाटा गेट हो जाए, तो आप कोई इसमें बहुत ही बड़ा सा नंबर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1000। सो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो 1000 के अंदर अंदर रिकॉर्ड जितने भी होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। सो अगेन रिकॉर्ड्स का मतलब है रोज़। इसके बाद आपके पास इसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है यहाँ पर फंक्शन रन करने के लिए, वो है गॉट कॉलम। सो इसके साथ आपने ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल करना है। रिस्पांस कोड आगे भी मैं बता चुका हूँ, नंबर है, वैल्यूज़ इसमें होंगी लिस्ट की सूरत में। तो इसमें आपने इस्तेमाल करना है ब्लॉक, अगर आप सिंपल इसको स्टोर करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लें और इस वेरिएबल को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी लिस्ट करवा दें। इसके बाद हम सिंपल इसे चेंज कर लेंगे जब हमारे पास कॉलम आ जाएगा, तो हमारे पास आएंगी वैल्यूज़।
तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये एक लिस्ट की सूरत में होंगी। सो इस तरह से आप ये ब्लॉग इस्तेमाल करेंगे। सेट सेल एंड यहाँ पर लास्ट अपडेट रो बाय नंबर। सो यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक रो अगर गेट करना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग को इस्तेमाल करेंगे। रो नंबर आपके पास होगा 1, 2, 3 में से कोई, तो सेट सेल। यहाँ पर अगर आप किसी सेल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने यहाँ पर सेल चेंज किया था, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये आपके पास ब्लॉक आ जाएगा। सो सेट सेल के साथ आपने ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली आपको यही बताएगा कि सेल चेंज हुआ है कि नहीं। तो रिस्पांस कोड अगर 200 आता है तो आपका सेल चेंज हो गया है, जो भी आपने नई वैल्यू यहाँ पर बताई थी वो ऐड हो चुकी है। अगर 200 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसे आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मैथ से नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पर रो नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला सेल चेंज करना चाहता हूँ, टाइटल में जो नीचे नेम है इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 ऐड करूँगा क्योंकि रो नंबर जो है वो 1 है। इसके बाद कॉलम नेम जो है, कॉलम नेम हमारे पास होगा टाइटल, क्योंकि मैं टाइटल वाले कॉलम के नीचे जो वैल्यू है उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो वैल्यू यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो ये ब्लॉक आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपके पास ब्लॉक है कि सेट अपडेट रो बाय नंबर। तो आप इसने आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप कोई रो अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट रो को अपडेट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वाली रो को अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो सिंपल रो नंबर हमारे पास होगा 1। कॉलम नेम्स जो पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पर लिस्ट की सूरत में आपके पास यहाँ पर कॉलम नेम्स आ जाएंगे और लिस्ट की सूरत में आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वाला ब्लॉक आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपको ये वाला ब्लॉक मिल जाएगा, ये रो अपडेटेड। तो रिस्पांस कोड आगे भी मैं बता चुका हूँ, अगर 200 आएगा तो आपने सही तरीके से रो को अपडेट कर लिया है। अगर 200 नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने रो को सही तरह से अपडेट नहीं किया। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि स्प्रेडशीट कंपोनेंट में जो भी ब्लॉक्स थे आपको किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने वाला हूं और सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक कंप्लीट डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ऐप के लिए, अपने ऐप में उस डेटाबेस को किस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं और सेपरेटली हर एक सेल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। So stay tuned for the next video. Thanks for watching.